सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह क्या है, तकरीबन 7:15 बज रहे हैं और अभी तक हम ट्रेन में हैं। ट्रेन से हम बस थोड़ी देर में उतर जाएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कि हमको क्या करना है, क्योंकि फ्लाइट है हमारी आज रात को 10 बजे और हमारे पास टोटल 12 से 14 घंटों का टाइम है। तो हम वो देख रहे थे अभी गूगल पे कि हम वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं या नहीं। तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, चलो एयरपोर्ट वालों भी, हम एयरपोर्ट वाले ने भी अपने को लात मार दी, रेलवे वालों ने भी अपनी ट्रेन लेट नहीं की। अब हम कहाँ घूमेंगे मेरे को समझ नहीं आ रहा। अपन घूम भी सकते थे लेकिन दिक्कत ये है कि लगेजेस है तो भाई कहीं घूम नहीं सकते। तो देखते हैं कुछ तो करेंगे। चलो तो गाइस, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूंगी जब हम ट्रेन से उतर जाएंगे स्टेशन पे और उसके बाद देखते हैं। डुगू मुझे रात को कह रहे, बाबू तू ना आराम से तैयार वैयार हो सकती है, सुन कुछ मेकअप वेकअप करके मत चलियो, मतलब ट्रेन में ही कर लियो आराम से मस्त। अब देख रहे मेरे शक्ल मेकअप वाली, एयरपोर्ट पे कर लेना ना। हाँ, वो ब्रश लेके आए हो आप, डेंटल किट निकाल दीजिए ना वो। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, वहाँ पे पेस्ट नहीं है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे बढ़िया कोई बात हो सकती है। चलो गाइस एयरपोर्ट लुक बनाएंगे बिना ब्रश के। फाइनली हम लोग ने अभी एक होटल में स्टे किया है, हम लोग दिल्ली पहुंच गए थे और अभी हम लोग हैं इस टाइम पे होटल में, क्योंकि हमने सोचा कि भाई एक तो रात का सफ़र किया हुआ है और मुझे तो ठंड लग रही थी अंदर, तो मेरे को मैं ढंग से सो नहीं पाई, इसको नहीं लग रही थी ठंड, मेरे को तो गर्मी लग रही थी, मैं तो कॉटन शीट ओढ़ के सोई हूँ, मेरे को तब भी गर्मी लगी है रात को। हाँ, तो जिस हिसाब से हमारी हालत हो रही है हम चाह नहीं रहे थे कि इस हालात में हम लोग, वैसे हम चले भी जाते हैं, हमको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बोल रही थी कि हम लोग चले जाते हैं ऐसे भी एयरपोर्ट, बट हमने ना वो सोचा कि भाई हम लोग थक जाएंगे क्योंकि रात को मैं सोई नहीं ढंग से। तो हमने अभी मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं एयरपोर्ट के थोड़ा सा पास ही हमने होटल ले लिया है और होटल में अभी एक्चुअली रूम अवेलेबल नहीं थे, तो क्योंकि हमने अर्ली चेक इन किया है तो मैं आपको रूम दिखाती हूँ कि उसने रूम कैसे दिया हमें। तो यहाँ से हमारा रूम स्टार्ट होता है, आज तक जब चाहिए होता ना तब नहीं मिला ऐसा रूम कभी भी, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है, ये गेट है, यहाँ पे एक छोटी सी अलमीरा है, यहाँ पे ये वॉशरूम है, वॉशरूम बहुत सिंपल सा है देख लो ये, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे एक टेबल रखी हुई है, यहाँ पे एक ड्रॉर है, ठीक है जी। फिर यहाँ पे एक टीवी पैनल है पूरा, ये पूरा टीवी पैनल है एक, और दो बेड है भाई यहाँ पे, अलग अलग सोई हो, अलग अलग इसीलिए दिया उन्होंने, एक बेड ये है और एक बेड वो है। और यहाँ से भाई बाहर का नज़ारा है जो मैं दिखा देती हूँ कैसा दिखता है। फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा है ऐसे, क्योंकि यहाँ से सीधी छत दिखाई दे रही है और नीचे का वो दिखाई दे रहा है रोड, क्योंकि यहाँ पूरे पूरे एरिया में होटल्स है। और मैं आपको बता दूँ ये होटल हमें कितने रुपए में मिला, मात्र 1300 रुपए में, 1650 में पूरा होटल मिला है हमें, ये पूरा होटल ही रूम मतलब। तो अभी हम फिलहाल जल्दी से करेंगे भाई, थोड़ा फ्रेश होंगे फिर उसके बाद जाएंगे नीचे कुछ खाने के लिए, भूख लग रही है बहुत तेज। तो छोड़ बता दे अपने साथ क्या क्या ट्रेजेडी हो रही है ना, जो यहाँ पे ट्रेजेडी हो रही है वो बता दे एक बार। गाइस दिल्ली में हम आते ही हमारे साथ ये ट्रेजेडीज हो रही है कि जब हम होटल में रुके तो उसने हमसे चेक इन के लिए सब पूरा खाली पड़ा हुआ है, फिर भी उसने हमसे चार्ज किया और अर्ली चेक इन के लिए। हाँ, हमारी मजबूरी अर्ली चेक इन क्या है यार, अभी टाइम देख लो कितना हो गया, 10 बज रहे हैं, तो 9:30 बजे की बात होगी और जो सेकंड टाइम होता है वो 11 बजे होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम भाई इतने में तुम वो खा गए और पूरा होटल खाली पड़े तब तुम ऐसे कर रहे हो। चलो वहाँ पे भी क्योंकि हमारी मजबूरी थी तो हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद हमने डेंटल किट मांगी, तो डेंटल किट के बजाय वो तो ब्रश ले आया और टूथपेस्ट ले आया, जिसकी कॉस्ट थी 40 रुपीज़। क्या अभी दे दें बात में अभी? हाँ जी, तो भाई उसकी कॉस्ट थी 40 रुपीज़। तो आया वहाँ से नीचे एक लड़का, ज़्यादा एज खरीदा और हमको बोलता है ये लो और मेरे को 80 रुपीज़ दे लो। तो हमने बोला कि डेंटल किट प्रोवाइड नहीं करते यहाँ पे, तो कहते हैं यहाँ पे नहीं मुझे डेंटल किट। एक तो उसने इस तरीके से बात की, दूसरा उसने फिर उसके बाद बोलता है कि 80 रुपीज़। तो मैंने बोला हमने कैलकुलेट किया तो 50 रुपीज़ बन रहे थे, हाँ 50 बन रहे थे, हाँ। तो बोलते हैं 80, कहते हैं लाने का चार्ज, जबकि नीचे सारी शॉप्स है। तो भाई यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर आए तो वहाँ पे बंदा बोलता है छोले भटूरे खा रहे थे हमको कि अगर ऊपर बैठोगे तो 100 रुपीज़ चार्ज, 120। अच्छा 120 बोला, 120, और अगर नीचे बैठते हो तो 80 रुपये चार्ज, बैठने का चार्ज भाई, चार्ज है तुम्हारी शॉप से, खुद की शॉप है जबकि उसकी, तो मेरे को रेंट पे करना है। तो डुगू गुस्से में वहाँ से आगे कहते मुझे नहीं खाना है। फिर हमने यहाँ पे आए हैं एक जगह पे, अब यहाँ पे खा रहे हैं भाई, खा लेते हैं गाइस पहले, फिर मिलते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। क्योंकि तभी मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको मेरा लुक देख के पता लग रहा होगा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तभी मैंने मफलर को वैसे बांधा है। और भाई जैसे कि यहाँ पे इसने अभी लड़के ने यह कहा था कि होटल में नहीं मिलते हैं,
डेंटल की तो पता भी नहीं था बेसिकली है क्या। चलो कोई बात नहीं, अब इनका टीवी यहाँ पे चल रहा है, टीवी तो चल रहा है लेकिन चैनल्स नहीं आ रहे। मैंने डुगू को बोला टीवी चला दो, टीवी क्यों नहीं चल रहा, तो डुगू कहते हैं टीवी तो चल रहा है पागल, इनके चैनल्स नहीं आ रहे। तो अभी नीचे एक मैडम सी बैठे, सुबह अलग लड़का बैठा था, फिर एक और लड़का आ गया, अब एक मैडम सी बैठी है। तो वो मैडम ने पहले ये पूछा, मैडम चेकआउट कब है आपका, मतलब इनको भगाना है यहाँ से लोगों को एक्स्ट्रा पैसा लेके। फिर भाई अब उसके बाद एक लड़का भेजेगी, वो लड़का आएगा रिमोट हमारे मुँह पर फेंकेगा, कहेगा चैनल चलो नहीं चलते यहाँ पे, ये काम नहीं है, टीवी चल रहा है ना बस, चैनल नहीं चलते यहाँ पे। तो जितना है वो तेरे पे क्या कहते हैं रहो और अपना टाइम काटो और फटाफट निकलो यहाँ से। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा, क्या कहते हो डुगू? दिमाग खराब कर रखा है ना, और क्या बता। 100 रुपए 120 रुपए चार्ज मांग रहा था बैठने के, बता यार हमको भी चार्ज लेना चाहिए ना उससे। फिर तो हम तो जहाँ भी जाते हैं ना भाई, हम तो जहाँ भी जाए ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमें सीधा साफ सुथरा कुछ मिल जाए, सही बता रही हूँ, और सीधे सीधे जवाब भी मिल जाए। सही नहीं यार, ये वाला तो सही था बंदा जिसके आप खा के आए हैं। अब वो भेज देंगे वो जरा से लड़के को, फिर वो देखेगा चैनल नहीं चल रही जी, मैंने भी तो रिचार्ज कराना पड़ता, पैसे दे तो रिचार्ज कर देते। सही में कह देंगे ये, रिचार्ज कर देते चल जाएगा। ज्यादा नहीं 250-300 रुपए का होगा, 300 रुपए का होगा, 10 रुपए ऊपर से मेरे तो 330 नहीं 100 यार, 10 रुपए पे 10 रुपए उनके होते हैं, तो 300 रुपए पे कितने रुपए हो इनके, 300 ही होगा ना, 10 का 10 चार्ज दे दो अभी चल जाएंगे, आपके सारे चैनल जो मर्जी देखो आप, इंग्लिश अंग्रेजी मराठी पंजाबी आगे लगा खाते हैं ऐसे शूट। हो गया भैया, चैनल नहीं चल रहे आपके, फ्री वाले भी नहीं चल रहे और वो भी नहीं चल रहे, वैसे लगा रहने देना अपने आप चालू कर देंगे। ठीक है रिचार्ज करवाता हूं, रिचार्ज होगा फिर चलेगा टीवी। ओ भाई जुगाड़ है यहाँ का, क्या करें। चलो मैं एडिट कर लूं। तो गाइस खाना वाना खाने के बाद अब 3 बजे ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इतने में तो हम गाड़ी बुक करके आ जाते हैं यहाँ पे सेम डे, मतलब आज। पता नहीं मुझे पागल से कैसे हो गया, दिमाग की कमी से हो गई, डुगू की वजह से मेरा दिमाग कम हो गया आजकल, सब इनके वजह से हुआ है। फालतू में अचार लेके आना था वो भी नहीं लेके आए, चावल का आटा लेके आना था वहां से वो भी नहीं लाए, शक्कर भी नहीं लाए। कहाँ रखती, ये तो बात है रखने की सारी, पता नहीं इतने कपड़े कैसे हो जाते हैं यार। अगले जन्म में मैं वो लड़की बनूंगी जिनकी इतनी छोटी सी बैग होती है बस, और वो कहीं भी चले जाते हैं। खाना हमने खाया है कढ़ाई पनीर चावल और रोटी थी, यहाँ बैठे खाना खा रहे हैं अंदर वो भी। और एक एक चीज दिखाना चाहती हूँ गाइज मैं आपको, ये देख लो एक बार, ये देख लो मिर्ची, मतलब और मैं दो उसमें भी पड़ी है, दो मिर्ची मैं खा चुकी हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 लाल मिर्ची इसने इतने से डब्बे में डाल दी बोलो। अभी 2-4 किलो सब्जी में तो ये पता नहीं 2-4 किलो मिर्ची डाल दी तो खाना बनता। ओ भाई बता दो इस होटल में बताना, सही में बहुत दिमाग खराब हो गया हमारा यहाँ पे, बहुत फालतू चार्ज करते हैं। अभी टीवी का आया था ना वो बंदा सुबह देखने, अब इसके बाद टीवी में पता नहीं स्क्रीन में स्क्रीन आ गई तो कहता है आवाज अभी आएगी, अभी तक नहीं आई, वाईफाई नहीं चल रहा, टीवी में आवाज नहीं आ रही, एक्स्ट्रा चार्ज लिया अर्ली चेकिंग का। और ये हर किसी के साथ करते हैं ऐसे, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे अर्ली चेकिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट पास है, इसीलिए अर्ली चेकिंग करते हैं क्योंकि जिससे उनकी फ्लाइट का टाइम मैच हो सके, वो रेस्ट कर सके। ठीक है, तो ये फायदा उठाते हैं उस चीज का, उसका फायदा उठाते हैं। और मैंने आके रिव्यू पढ़े इस होटल के, तो बोल रहे हैं कि हर चीज का एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, अगर तुम खाना भी नीचे से ऊपर भी मंगाओगे ना, जैसे तुमने स्विगी से खाना मंगाया और वो बंदा नीचे से ऊपर देने आया तो उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, ये भी लिखा हुआ था एक ने। अच्छा तो मैं बता दूँ, इसका नाम है होटल एयरपोर्ट सिटी, जो कि है कौन सी जगह है, क्या था, महिपालपुर में है होटल एयरपोर्ट सिटी। क्योंकि भाई देखो हमको जगह ज़्यादा पता होता नहीं है, हमको सिर्फ ये था कि भाई हम एयरपोर्ट के नियर बाय ले लें, मतलब हमारा जो ट्रेन का स्टेशन था दिल्ली में वो ओल्ड दिल्ली था, तो मैंने उनको ये कहा था कि ओल्ड दिल्ली में ले लो, अभी फिर उन्होंने बोला कि रात को जाने की दिक्कत, ट्रैफिक व्रैफिक ना मिले, तो नियर बाय ले लेते हैं एयरपोर्ट के। मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ से एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर है जो हमको जहाँ जाना है, और जो यहाँ के मतलब जो वो है क्या बोलते हैं, जो मतलब लड़के यहाँ पे काम करते हैं वो भी प्रोफेशनल नहीं है भाई, बहुत अजीब से हैं वो, एक के तो ना मुँह तोड़ने का मन कर गया था सुबह मेरे, मतलब जब वो लाके 50 रुपए की चीज़ के 80 रुपए मांग रहा था। और ऐसा कुछ नहीं है, देखो पहाड़ जैसे जगह होते हैं तो वहाँ पे समझ में आता है आपने जिससे कुछ मंगाया है, भाई वो बहुत स्ट्रगल करके जाते हैं। चल मंगाया भी, मैं कहती हूँ नीचे से भी लेके आया, 10 रुपए एक्स्ट्रा ले ले सारी चीजों के ऊपर, हर चीज के ऊपर 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, और ऊपर से बदतमीजी, इन्होंने बोला कि भाई 10 रुपए ले ले एक्स्ट्रा, तू चल लेके आए नीचे से,
तो कहता है नहीं ये भी रख लो। मैंने कहा बात कैसे कर रहा है तू, बात कैसे कर रहा है, फिर नहीं बोला। फिर फोन किया नीचे रिसेप्शन पे, तो फिर उसने उसको जो भी बोला होगा भाई बोला होगा पता नहीं। बहुत मतलब कि ये अजीब सा है। एक बार मनाली में हुआ था यार, एक दिन का स्टे ठीक है यहाँ पे, एक दिन के, एक दिन के। यहाँ पे वैसे भी यार सब वैसे ही लोग आते हैं, यहाँ पे गीजर नहीं है अंदर, रूम आप देख लो कितना बढ़िया दे रखा है लेकिन अंदर गीजर नहीं है वॉशरूम में, ठीक है। डेंटल किट को पता नहीं है क्या होती है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो कह रहा है डेंटल किट कहते यहाँ नहीं मिलती, मैंने कहा फिर कहता ये सब नहीं मिलता यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ शैम्पू और वो मिलता है साबुन। हाँ कह रहे शैम्पू और साबुन मिलता है यहाँ बस। और अजीब सा था भाई, कुछ नहीं बोल सकते हम। चलो गाइस अब थोड़ी देर में मिलेंगे, रेडी वेडी होके मिलेंगे अब तो आपको, एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे जब। बाकी भाई मैंने तो नींद वींद पूरी कर ली अपनी, सही बताऊं तो। और मेरे नहाने का मन था डुगू का भी, लेकिन जब देखा कि गीजर वीजर ही नहीं है। अभी पता इतना इरिटेट हो रहा है ना यहाँ पे कि हम ना बोलना भी नहीं चाह रहे किसी चीज के लिए कि भाई ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, क्योंकि मुझे हमको पता चल गया कि यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। शाम तक ही है वो, दस चक्कर काट के बस हमको ही 10-12 जैसे उठाएगा, इसलिए हमने बोलना ही छोड़ दिया कि भाई ठीक है अभी हम मुंह धो के अपना चेंज वेंज करके और एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे तकरीबन 8 बजे, क्योंकि हमारी फ्लाइट है 10 बजे वहां से, तो यहाँ से नियर बाय है तो टाइम नहीं लगेगा, तो फटाफट रेडी वेडियो के निकल जाएंगे भाई। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ साहिब से मिलने के लिए, साहिब के रिएक्शन देखने के लिए। आप लोग कहते हो ना साहिब को दिखाओ, दिखाते हो रुको, तेरा माला साहिब तो दिख रहा है आपको, सो रहा है बेचारा अभी। मेरी बेटी छोई छोई कर रही है अभी, यहाँ पे सोता रहता है। हाल देख लो जरा, ये मेरा फ़ोन का कवर गिराया हुआ उसने, ये वाला ठीक है, और चादर वादर फैलाई हुई है यहाँ पे, खिलौने विलौने गिराए हुए हैं अपने। ये टनल ला के दिया है एक इसको, मतलब वहीं पे जो टेक केयर कर रहे हैं उन्होंने, कि खेलता रहे किसी तरह। सही में भाई इतने सारे खिलौने ला के दिए हैं इसको, देख रहे हो कितना ध्यान रखा जा रहा है इस माशे का, ये देख लो। और रोज वहाँ पे क्लीनिंग होती है, क्योंकि हमने मेड को मतलब ऐसा है कि हम यहाँ पर आए तो ऐसा हटाए बटाए नहीं है, हमने सब उनको इतना काम दिया हुआ है कि भाई इसकी थोड़ी सी वो करे वहाँ पे, थोड़ा सा इसका लीटर वगैरह क्लीन करे और इसका खाना पानी, बस इतना बोला हुआ है उनको। तो वो भी बेचारी अच्छी है, आती है करती जाती है और इतना ही है उनका काम। बाकी ये है कि अभी ये थोड़ा सा ना बहुत वो इरिटेट होने लग गया, इरिटेट इसलिए होने लगे कि उसको कोई दिखता नहीं है वहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए। मतलब जो है वो भी जाते हैं थोड़े थोड़े टाइम के लिए, कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा, बट जैसे रात को भी हमारे साथ सोता था, तो अब इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो बस आज बस हम चले जाएंगे, रात को पहुंच जाएंगे, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मुझे तो अभी ये हो रहा है डुगू कि ऐसा नौ के आते हमारे पैर पूर में काटना शुरू कर दे, साड़ो आ गए तो आराम जा दो, आगे तो मजबूत बना के अपने, आगे तुम्हारे हनीमून में कमी लो, मेरे बारे में सोचा नहीं, सोचो तुमने। यार वो कभी कभी दुख होता है उसके बिल्ली होने का, अगर वो डॉग होता ना सच में, मतलब ऐसा नहीं है। देखो कैट को भी लोग लेकर जाते हैं, लेकिन हमारे तो गांव ही ऐसे है ना कि हमारा तो वहाँ दूसरा बिल्लू है, कहाँ लेके जाए कैसे लेके जाए, उसको समझ नहीं आता मेरे को। उनको लगता है यार कि मतलब तो कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे वो बिल्ली है तो अब उसको केज में रखेंगे तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा हमको, क्योंकि उसको आदत नहीं है, वो खुला रहता है हमेशा। फिर आप लोग ही बोलोगे कि भाई इसको ऐसा रख रखा है ये वो, तो भाई हर चीज़ देखनी पड़ती है। गाँव में कोई प्रॉपर घर तो है नहीं बंद हुआ हुआ, तो ये थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, इसलिए हम उसी की वजह से हम उसको शेल्टर में नहीं रखा कि भाई ये एटलीस्ट अपने घर में तो रहेगा। उसको ये तो है कि मेरा घर है, मैं जहाँ मर्जी सोऊं जहाँ मर्जी मैं ये करूँ, तो ठीक है अभी शैतानी कर रहा है वो चीज़ें यहाँ से वहाँ गिरा रहा है, उसे सुस्तू कर करके पूरे घर के हाल खराब कर रखे हैं, बट ठीक है अभी बस ये है कि इतना भी चल रहा है नॉर्मल है कि वो बेचारा अपना चल रहा है। उसका हिम्मत है यार, 1 महीना मतलब हमारे बिना रहना, लेकिन जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो उसको बहुत प्यार करता है, हमसे भी ज़्यादा। अभी आप देखना हमसे एक आधे मिनट प्यार करने के बाद वो यही सोचेगा कि भाई वो लोग क्यों नहीं आए, तो वो है ऐसा। तो बस बाकी कुछ नहीं है, आज जाते हैं और जल्दी से रिएक्शन चेक करेंगे साहिब के कि वो क्या रिएक्शन देता है, क्योंकि तो अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि साहिब ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं कहाँ चले गए, नाच गए मुझे छोड़ के भाग गए, इसीलिए वो हर किसी का पैर पकड़ने लगा है, मतलब पैर पकड़ लेता है ऐसे दांत से कि ये मुझे छोड़ के ना चला जाए इसीलिए। तो चलो गाइज एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं, यह हमारा एयरपोर्ट लुक वही पुराना दोबारा, क्योंकि हमको फिलहाल घर पहुँचने की जल्दी है बस, किसी भी तरीके से तो हम यहाँ से जा रहे हैं। कैब हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, ये देखो लगेज हमारे, तो जल्दी से निकल लेते हैं क्योंकि चाबी भी निकालनी है गाइस। गाइस अभी अभी जस्ट हम आ चुके हैं भाई लॉन्च में, हमारा चेक इन वगैरह हो चुका है, सिक्योरिटी भी चेक इन हो चुकी है और अभी हम लोग लॉन्च में बैठ के वेट कर रहे हैं। यशु गई है अभी कुछ लेने के लिए और उसके बाद मैं जाऊँगी। देख लो नाना को, और ये स्टाइल ऐसे मारो से बहुत बड़ी बिजनेसमैन है ना। अच्छा
AGCBI takes central stages up and says is up ball pitch. नीचे हथकड़ी बनी है, हथौड़ा बना है, बस पढ़ लिया, पूरा पेपर पढ़ लिया है इसने, आज ही पढ़ लेगी अंग्रेजी वाला पूरा पेपर लड़की हमारी. दुग्गू बहुत फनी लग रहे हो भाई, हम वेट कर रहे हैं उन साहिब से मिलने के लिए, एक्साइटेड है अब, है ना साहिब? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. अब उसका रिएक्शन प्रॉपर ऐसे देखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे. बाय बाय बुआ का घर, बाय बाय अपना घर. फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे, और पहले तो कैमरे में देख लेते हैं क्या कर रहे हैं वो. हाँ, आवाज कर रहे हैं अंदर से, अंदर से सुन लिया उसने, दरवाजे पे है, बाकी वाले दरवाजे पे है वो बैठा. साहिब ओ देख 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 कैसे कर रहे हैं, देख कैसे कर रहे हैं, देख कैसे कर रहा है, देख तुझे गर्दन कैसे कर रही है, यूं कर रहा है गर्दन, यूं कर रहा है साहिब, देखो साहिब. यही रहेगी कुछ दिन, मम्मा के काची काची करना और पापा के.